इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का और आजकल ये बहुत ही तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। कोई भी चीज इतनी तेजी से यदि पॉपुलर हो और हम इस चैनल पे उसकी बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और 6 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में फास्ट रखना, और जब आप इतने छोटे छोटे टुकड़ों में फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट बर्न होना शुरू होता है, आपकी ओवरऑल बॉडी की मेटाबॉलिक जो रेट है वो बूस्ट होती है, शुगर लेवल्स आपके कम होना शुरू होते हैं, मीन्स जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उन लोगों की डायबिटीज भी रिवर्स होना शुरू होती है, बॉडी में सेलुलर रीजनरेशन होता है, मीन्स इंक्रीज इन योर एनर्जी लेवल्स। तो ये तो हमने बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग की। वहीं आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना चाहिए। मैं इस बात को बोलूंगा कि एवरी बॉडी इज अ डिफरेंट बॉडी, सो हर व्यक्ति के लिए ये बात ठीक नहीं हो सकती कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ देर खाते रहना, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप बार बार खाना खाने से आपका पेट का डाइजेशन कन्फ्यूज हो जाता है और सारी जो ऊर्जा है बॉडी की वो डाइजेशन में ही लग जाती है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको अपनी मील तभी लेनी चाहिए जब आपकी प्रीवियस मील जो है वो ठीक से बॉडी में डाइजेस्ट हो चुकी हो। इसलिए आयुर्वेदा फोकसेस मोर ऑन इंक्रीजिंग योर डाइजेस्टिव फायर, दैट इज जठर अग्नि, एंड फास्टिंग इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जमा अम यानी टॉक्सिन्स ही शरीर में सारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है, एंड इट इज क्लियरली स्टेटेड इन आयुर्वेदिक टेस्ट दैट अहोरात्रि भोजन अभवः means abstaining of food for a night, एक तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग आप इसको कह सकते हैं। और फास्टिंग के लिए जो आयुर्वेद में कहा गया है वो कहा गया है सर्व भोग विवर्जितः, means abstaining from every single delight। आयुर्वेद से संबंधित आप कोई भी किताब ले लीजिए, चाहे सुषुप्त संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, भाष्य रत्नावली या फिर भाव प्रकाश, सब में फास्टिंग का बहुत ही महत्व बताया गया है। आइए सीधा चलते हैं उन 6 ऐसे तरीकों पे जिनसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 है दैट इज 16:8 रेशियो में फास्ट करना, मीन 16 घंटे फास्ट करना और 8 घंटे फीस्ट करना, मतलब 8 घंटे के दरमियान ही आपको खाना खाना है। फर्स्ट तरीके के अकॉर्डिंग आप जो अपनी फर्स्ट जो मील लेंगे वो सुबह 12 बजे लेंगे और जो लास्ट मील लेंगे वो रात को 8 बजे लेंगे, मीन्स रात को 8 बजे से अगले दिन 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, मीन 16 घंटे आपको भूखा रहना है, फास्ट करना है, 8 का जो विंडो है उसमें आपको खाना है। आपको जो भी न्यूट्रिशन लेना है, जो कुछ भी खाना है वो सुबह 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच में ही खाना है, उसके बाद में मुंह पर ताला। अगर आप चाहें पानी पी सकते हैं या 0 कैलोरीज बेवरेजेस ड्रिंक्स जो है वो आप ले सकते हैं। इस मेथड को लीन गेन प्रोटोकॉल मेथड भी कहा जाता है और बहुत ही अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का। जिन लोगों को ये मेथड थोड़ा सा हार्ड लगता है, 16 घंटे इनसे भूखा नहीं रहा जाता, वो इसको 14:10 के रेशियो में भी कर सकते हैं। 14:10 मींस 14 घंटे आपको फास्ट रखना है और 10 घंटे के विंडो में ही आपको अपना न्यूट्रिशन अपनी मील्स लेनी है। अब जानते हैं तरीके नंबर 2, दूसरे तरीके से हम कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, वो है 5:2, मींस 5 दिन आपको नॉर्मली खाना खाना है और 2 दिन तक आपको, 2 दिन वो कौन से होंगे, वो वीक के बीच के दिन होंगे, एक तो होगा ट्यूसडे एक होगा फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन मींस जो मेल है वो ट्यूसडे और फ्राइडे को केवल 600 कैलोरीज ही लेंगे और जो फीमेल्स हैं वो 500 कैलोरीज ही लेंगे। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है, जो हमारा फास्टिंग वाला दिन होगा उस दिन हम केवल 2 मील्स ही लेंगे, मींस आपको जो 500 कैलोरीज और 600 कैलोरीज जो लेनी है, फीमेल्स को 500 और मेल्स को 600, वो आपको केवल 2 मील्स में ही लेनी है, एंड मेक श्योर यू डोंट गो बियॉन्ड दिस कैलोरी काउंट। आइए अब बात करते हैं तरीका नंबर 3 पे, मींस ईट स्टॉप ईट। ये जो तरीका ये भी लास्ट जो हमने देखा मेथड उस जैसा ही है, बट यहाँ पे हम 24 का फास्ट कर रहे हैं, मींस ट्यूजडे एंड फ्राइडे आप 24 का फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मानिए आपने मंडे को शाम को 7 बजे अपना डिनर किया था, तो जो नेक्स्ट मील आप लेंगे 24 बाद लेंगे, मींस ट्यूजडे को शाम को 7 बजे, तो 24 हुआ बीच में, इस समय आपको फास्ट करना है। ऐसा आपको ट्यूजडे को करना है और फ्राइडे को करना है।
जो ये 24 घंटे का फास्ट होगा, इसमें आप पानी पी सकते हैं, जीरो कैलोरी ड्रिंक्स ले सकते हैं, बट नो सॉलिड फूड। ये जो मेथड है कई लोगों को थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट उन लोगों के लिए आगे वाला मेथड मैं बताने वाला हूं। तो किसी को भी रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में आगे बढ़ते रहने का। और एक महान हेल्थ कोच हेमंत पारिक ने ऐसा कहा है कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो अब तक घर से निकले ही नहीं। बात करते हैं हम तरीका नंबर 4 की। अब ये जो तरीका है इसको बोलते हैं अल्टरनेट डे फास्टिंग। मींस आपको 3 दिन तक नॉर्मली खाना खाना है और 3 दिन तक आपको अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। मींस मंडे को आप नॉर्मली खाना खाएंगे, ट्यूसडे को कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वेडनेसडे को फिर से नॉर्मली खाना खाएंगे और ऐसे करके आप 7 दिन इस मेथड को फॉलो करेंगे। दोस्तों जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की हमने बात की है, वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हमने जो सेकेंड मेथड में जाना था वही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है। मींस मेल्स को 600 कैलोरीज लेनी है पूरे दिन में और फीमेल्स को केवल 500 कैलोरीज लेनी है पूरे दिन में। अब बात करते हैं तरीका नंबर 5 यानी फिफ्थ मेथड या फिफ्थ वे ऑफ डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट इज वॉरियर डाइट। अब इसके नाम में ही वॉरियर है तो थोड़ा वॉरियर की तरह तो होगी डाइट, आपको वॉरियर बनाएगी। दोस्तों ये जो मेथड है वॉरियर मेथड, ये आपको 7 दिन तक फॉलो करना है। ये जो मेथड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इस मेथड में आपको शाम को 4 बजे तक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही खाने हैं, ये आपका फास्टिंग टाइम है। और फिर इसमें हम फीस्टिंग जो हमारा टाइम है वो है शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। मीन्स शाम 4 बजे से रात को 8 बजे तक आपको लार्ज मील्स लेने हैं। बट जब आप लार्ज मील्स लेंगे तो मेक श्योर यू ईट होल एंड कंपाउंड फूड, स्टे अवे फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मैदा और जो बर्गर, इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना है। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना ही खाना है अपनी लार्ज मील्स में भी। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, आपको शाम को 4 बजे तक केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाने हैं और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको फीस्टिंग टाइम है, उस वक्त आपको लार्ज मील्स लेनी है और ऐसा आपको 7 दिन तक करना है। कुछ लोगों के लिए ये जो डाइट है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो बिगिनर्स को स्पेशली मैं ये डाइट रिकमेंड नहीं करूंगा। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, 6th मेथड की। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मील स्किपिंग प्लान। मीन्स इसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और दिए गए मेथड के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। मीन्स कभी भी बीच बीच में आप अपना मील्स को स्किप कीजिए ताकि आपको थोड़ा पेट को रेस्ट मिले। और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। दोस्तों हर बॉडी हर फूड पे हर समय पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, दिन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी और खाने के अकॉर्डिंग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यदि आप मील स्किप करते हैं बीच बीच में, सो इट हेल्प्स यू टू लूज योर वेट, एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में मदद करता है। इसमें आपको कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर जब भी आप जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं एंड से नो टू जंक फूड। और देखिए हर शरीर जो है हर डाइट प्लान को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये जो मैंने 6 तरीके बताए हैं आपको, ये बदल बदल के आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स, मेरे योगा प्रोग्राम, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मेरे आयुर्वेदा से रिलेटेड प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के द्वारा आप हेमंत वेज से जुड़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्यों नहीं किया है? आप टूरिस्ट की तरह आते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जाते हैं। और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक समय पर पहुंचते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।